ओबीएस कहानी नंबर 12 इजरायली लोग करा मिस्र देशा ते बारे निकलना। इजरायली लोग मिस्र देशा विच ते निकल के बहुत खुश थे। शोएब गुलाम नहीं थे और एबे से वादे देशा के जाने लग रहे थे। इजरायली लोग ने जो कुछ भी मिस्री लोग ते मांगया तीनों ने से सब कुछ दिता, जिया की सोना चांदी और कुछ कुछ कीमती चीजा भी। दूजे देशा रे कुछ लोग ने परमात्मा पर भरोसा किया और जब इजरायली लोग मिस्र देशा विच ते निकले तो शो भी तीनों पीछे चल पड़े। परमात्मा दिन के समय बीच बादला रा खंभा बनी के और रात के समय बीच आगे रा खंभा बनी के मूसा हारून और इजरायली लोग करे आगे आगे चलिया। परमात्मा हमेशा तिनारे साथे था और यात्रा करते समय तिनारे मार्गदर्शन करो था। तिना के सिर्फ इतना करना था कि परमात्मा रे पीछे चलना था। कुछ समय बाद फिरौन और तेसरे लोग का मन भी बदलेगा। सो इजरायली लोग के दोबारा अपने सेवादार बनाना चाहो थे, इस खातिर तिना ने इजरायली लोग का पीछा किया। ये परमात्मा था जिन्हें तिनारा मन बदलिया। परमात्मा ने एड़ा इस खातर किया क्योंकि परमात्मा चाहो था कि सब लोग का पता लग जाओ कि यहोवा परमात्मा फिरौन और मिस्री लोग का सब देवता से ज्यादा शक्तिशाली है। जब इजरायली लोग ने मिस्र देश की सेना आते हुए देखी तो तिना के पता लग गया कि ये फिरौन की सेना है और लाल समुद्र विच फंसेगी। इजरायली लोग बहुत ज्यादा डरी गए और रोने लगे कि आसे मिस्र देश कौन छड़ गया, एवं आशा के मरने तो कोई नहीं बचाई सकता। मूसा ने इजरायली लोग के बोलिया, डरना बंद करो, परमात्मा आज तुसे खातर आप ही लड़ना और तीन ही तुसे बचाने। तेवे परमात्मा ने मूसा के बोलिया, इना इजरायली लोग के लाल समुद्र बीच आगे जाने खातर बोल। तेवे परमात्मा ने से बादला रा खंभा इजरायली लोग करे और मिस्री लोग करे बीच खड़ा करता और रात के समय से आगे रा खंभा बनेगा। मिस्री लोग पूरी रात इजरायली लोग करे नजदीक नहीं आई सके। परमात्मा ने मूसा के समुद्र बीच अपना हाथ आगे बढ़ाने खातर बोलिया। फिर परमात्मा ने हवा साथ समुद्र का पानी दाएं और बाएं तरफ करता और समुद्री हुई के एक बाट बनी। इजरायली लोग समुद्री हुई के सुखी जमीन बीच आगे चलने लगे और तिनारे दोनों तरफ पानी की दीवारा थिया। तेवे परमात्मा ने से बादला रा और आगे रा खंभा तेस बाट बीच ते उबे उठाई ला। तेवे मिस्री लोग ने इजरायली लोग बची के जाते हुए देखे। मिस्री लोग ने तिना के पकड़ने खातर दोबारा तिनारा पीछा करना शुरू करता। तेथे बाद एड़ा हुआ कि मिस्री लोग ने समुद्री जरिए इजरायली लोग का पीछा किया पर परमात्मा ने मिस्री लोग डराई थे और तिनारे रथ अटकाई थे। मिस्री लोग चिल्लाने लगे, नठो इजरायली लोग की तरफ आते परमात्मा लड़ने लगी रहा। सारे इजरायली लोग समुद्र की दूजी तरफ पहुंच गए। तेवे परमात्मा ने मूसा के बोलिया कि पानी पान दे अपना हाथ दोबारा आगे बढ़ा। जब मूसा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो पानी अपनी सामान्य स्थिति बिच होगा और सारा पानी मिस्री सेना पान दे आएगा और सारी मिस्री सेना डूबेगी। जब इजरायली लोग ने देखा कि सारे मिस्री लोग मर गए तो तिना ने परमात्मा पान दे भरोसा किया। तिना ने भरोसा किया कि मूसा परमात्मा तरफा ते बोई सो दबता है। इजरायली लोग इस खातर भी बहुत खुश थे क्योंकि परमात्मा ने सो मरने थे और गुलाम होने थे बचाई ले थे। एब सो परमात्मा की आराधना करने खातर और तेसरे आदेश का पालन करने खातर आजाद थे। इजरायली लोग ने अपने आजाद होने की खुशी मनाने खातर और परमात्मा की बड़ियाई करने खातर बहुत सारे गीत गाए क्योंकि परमात्मा ने सो मिस्री सेना से बचाए थे। परमात्मा ने इजरायली लोग के हर साल फसह त्यौहार मनाने का आदेश दिता, ये याद करने खातर कि किया परमात्मा ने इजरायली लोग मिस्री लोग के गुलाम होने से बचाए थे। इस त्यौहार के फसह त्यौहार बोलिया गया। इस त्यौहार मनाने खातर तिना के एक शुद्ध निर्दोष मेमने की बलि चढ़ानी थी और से मेमना भुजी के बिना खमीर वाली रोटी साथ खाना था।